हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप SBI के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू IPO लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से IPO लगाते हैं तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 बजे की SBI की। 2 बजे के बाद SBI जो IPO रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है हम करने वाले हैं हमारे मोबाइल के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे मोबाइल यूज करते हैं। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं मैं मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मोबाइल की होम स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है SBI। तो यहाँ पे मैं SBI इंटरनेट बैंकिंग ये यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर जो साइट आ रही है इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू टू लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे ये जो कैप्चा है ये कैश सेंसिटिव है, स्मॉल कैपिटल अपने आप को देख के यहाँ पे इसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने एक पासवर्ड OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आपको कर देना है सीधा सा सबमिट। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जहाँ पे देखिए 3 डैश आपके सामने आ रहे होंगे, इन 3 डैश पे एक बार टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है ई सर्विसेज के ऊपर। इसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको चूज करना है डीमैट एंड SBA ओपन करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने आएगा IPO इक्विटी। इसके बाद एक बार टैप करेंगे, ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद आपको दोबारा वापस पूरा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको वो IPO चूज़ कर लेना है जो कि यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे इसको टैप करके और यहाँ पे आपको वापस नीचे आ जाना है। पूरा नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आप करेंगे इसको गो। गो करने के बाद में दोबारा से यहाँ पे आपको पूरा नीचे आ जाना है। पूरा नीचे आप आ जाएंगे, पूरा नीचे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो कैटेगरी है वो चूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंडिविजुअल कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, पूरा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आना है जहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बार टैप करेंगे एप्लीकेंट के ऊपर। यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप सीधा सा कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इससे का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे सबसे ऊपर आपका जो अकाउंट नेम है, जो कि आपका अकाउंट नेम है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, वो आपको एंटर कर देना है। आपका पैन एंटर करना है, पैन यहाँ पे आपको 2 बार एंटर करना है। कंफर्म पैन के ऊपर आपको पैन एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो इसके बाद यहाँ पे NFDL CADSL जो आपका अकाउंट है वो आपको एंटर करना है। मेरा CADSL है, टैप कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या अंतर है, अगर आपका अकाउंट नंबर IN से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब NFDL है, और आपका अकाउंट नंबर सीधा 12 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका NFDL है, सॉरी CADSL है। इसके बाद यहाँ पे चूज करने के बाद में यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है वो एंटर कर देना है। तो अगर आपका जोरदा में है, जोरदा का ऐप आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे जहाँ पे आपकी ID है एक बार टैप करेंगे, प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो DMAT BO अकाउंट नंबर है यही आपका DMAT अकाउंट नंबर है, ठीक है। यहाँ से आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है वो एंटर कर देंगे और यहाँ से आप कर देंगे सीधा सा ऐड। यहाँ पे आपका निक नेम एंटर कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से वही प्रोसेस पूरा करना है। दोबारा से आपको वहाँ पे ऊपर चले जाना है, सबसे ऊपर जहाँ पे आपके 3 डैश होंगे। 3 डैश पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको आना है ई सर्विसेज के ऊपर। इसके बाद दोबारा आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको आना है SBA के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे दोबारा आपको आना है IPO इक्विटी के ऊपर आएंगे। इसके बाद दोबारा आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको दोबारा से वही IPO चूज़ कर लेना है जो कि आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आप करेंगे गो। गो करने के बाद में दोबारा आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो कैटेगरी का सिलेक्ट करनी है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंडिविजुअल कैटेगरी। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट इस पर टैप करेंगे और यहाँ से देखिए आपने अभी जो अकाउंट ऐड किया था वो अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। वो अकाउंट यहाँ पे आपको करके यहाँ पे आपको करना है गो। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे सारे वापस यहाँ पे आ जाएगी। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको अब बिड लगानी है। तो बिड आप से आप छिड़कू की छेड़छाड़ मत करना प्राइस के अंदर, जो प्राइस यहाँ पे आएगी आपको वही लेन देना है। तो यहाँ पे हम जो बिड 1 है, बिड 1 के ऊपर टैप करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कितनी है। अगर सिंगल लॉट आपको ऐड करना है तो सिंगल लॉट के लिए यहाँ पे 3,000 यहाँ पे डाल सकते हैं, और 2 लॉट अगर आपको डालने हैं तो 2 लॉट के लिए आपको 6,000 यहाँ पे करना है, 3,000 या 6,000, ठीक है।
आपको और कोई वैल्यू चूज नहीं करनी है वरना आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक अलॉट डालना है, तो यहाँ पे 3000 इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे नीचे आ चुकी है कि भाई कितने प्राइस है। इसके बाद यहाँ पे आप करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। पूरी डिटेल यहाँ पे आ कितने का आईपीओ है, टोटल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप सीधा से करेंगे कन्फर्म के ऊपर क्लिक। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डल चुकी है, आपकी पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आ चुकी है, कितनी प्राइस थी सब कुछ है वो यहाँ पे आपका आ चुका है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा, आप चाहें तो अपनी इस एप्लीकेशन को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको ऊपर थ्री डैश के ऊपर आ जाना है। दोबारा से आपको यहाँ पे आना है अकाउंट, सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे आपको अकाउंट समरी के ऊपर आना है। यहाँ से आपको आना है आपका जो यहाँ पे व्यू ऑल बैलेंस के ऊपर आना है। इसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है इसके बाद टैप करेंगे। टैप करने के बाद में नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो लीन अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपका ब्लॉक हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पे हमारे चैनल का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वहाँ पे एक बेल का बटन होगा, दबा के वहाँ पे ऑल कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सभी मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।